नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है स्टॉक टिप्स में। मैं आपका प्यारा दोस्त संदीप आपके सामने बढ़िया वीडियो लेके आया हूं, जो कि आपका प्रॉफिट और ज्ञान बढ़ाने का मोटिव बना रहेगा। तो दोस्तों, हम अभी बात करने वाले DHFL के बारे में, जो कि हमने DHFL से कई दिनों का आपके साथ प्रॉफिट शेयरिंग और प्रॉफिट रेशो के बारे में बातें करते आए। और आप कितना प्रॉफिट कमाए होंगे दोस्तों, हम तो नहीं जानते, मगर हमने जितने ट्रेड दिए थे आपको DHFL के बारे में, उतने ट्रेड में सक्सेस पाए हुए। बहुत सारे बंदों ने हमें व्हाट्सअप कमेंट्स किए हुए कि सर, आपके माध्यम से हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है DHFL में। हाँ दोस्तों, मगर जो कुछ डिलीवरी इंट्राडे डिलीवरी में फंसे उन लोग के लिए भी हम कुछ अभी तक कर नहीं पाए, क्योंकि अभी तक वहाँ पे ऐसी कुछ बातें दिख नहीं रही जो कि लेवल दिखा सके डिलीवरी में। तो दोस्तों, अभी हम आपको बात करने और टेक्निकल चार्ट की, और टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे क्या बढ़िया सा मूवमेंट मिल रहा है या फिर यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। तो पिछली बार दोस्तों हमने आपको जो टारगेट दिया था, उस टारगेट के बारे में बात करेंगे, और आने वाले टारगेट है या फिर शॉर्ट सेलिंग है या बाइंग पोजीशन है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलो दोस्तों, हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट में। मगर दोस्तों, उसके पहले आपको एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन बटन उसे जरूर दबाइए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक जरूर करना दोस्तों। अगर दोस्तों किसी बारे में हमको आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, आपको हम वीडियो बना के देंगे और आपका प्रॉफिट और ज्ञान बनाने का मौके बनाए रखेंगे। दोस्तों, अब अभी हम आए टेक्निकल चार्ट पे, देख रहे हैं टेक्निकल चार्ट पे 2.59% की गिरावट है फिलहाल। तो समय हो रहा है आपको दिखाते हैं दोस्तों, 10:55 हो रहे, लगभग 11 के आसपास टाइम हो रहा है। और हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे बताया था कि आज मार्केट खुलेगा तो ओपन, मगर ओपन जो खुलने के बाद मार्केट पॉजिटिव नहीं रहेगा और मार्केट का जो पॉजिटिव रेंज है वो निकल के नेगेटिव में आ जाएगी। दोस्तों, हमने व्हाट्सएप पे बताया जिसके कारण जो शेयर्स है उसके जो पोटेंशियल जो स्ट्रेंथ है वो टूट जाएगी। बहुत सारे शेयर जिनकी पोटेंशियल स्ट्रेंथ थी बढ़ने की, वो आज घट गई है और वो नेगेटिव में आ गए। तो दोस्तों, हम बात करें DHFL के बारे में। DHFL में हमें पिछला हमने जो टारगेट बताया था, लगभग आपको 40 रुपीज़ में बाइंग बोली थी दोस्तों, और 48 रुपीज़ का हमने टारगेट दिया था। दोस्तों, हमें कमेंट भी आया था एक ऐसे सब्सक्राइबर का या फिर होगा हमारे व्यूवर्स का, उन्होंने कहा था सर आप पागल हो गए हो, यहाँ से लगभग 48 मिलना ना पर ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सी बात है। तो उन्होंने क्यों कहा था, उसके रीज़न भी उनको ही मालूम होगी दोस्तों, क्योंकि 20% की जो लेवल है 40 रुपीज़ से 48 की, तो लगभग ना के बराबर उनको दिख रही थी। मगर दोस्तों, हमने टेक्निकल चार्ट पे देखा था जो हमें 48 रुपीज़ का जो टेक्निकली दिख रहे थे, जो टारगेट दिख रहा था वो हमने हासिल कर ही लिया है दोस्तों। उसके बाद अभी आने वाला टारगेट क्या होगा दोस्तों, हमने इसके बाद 51 का भी टारगेट दिया था, उसी कल के दिन ही मुकम्मल हो गया था, और जो 51 का टारगेट हासिल होने से बहुत सारे जो लोगों ने पैसा भी बनाए। तो दोस्तों, आगे आने वाले दिनों में इसका क्या रेंज रहेगा और इंट्राडे में देखा जाए तो किस तरह से इसका रेंज निकल के आएगा। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं उसके आने वाले दिनों के बारे में। दोस्तों, अभी देखा जाए तो मार्केट में एक ट्रेंड बना हुआ था जिसे हम अच्छा मान रहे थे, और अभी एक आज देखोगे दोस्तों मार्केट में नेगेटिव एक ट्रेंड सा सेंटीमेंट सा आ गया है, जिसके कारण थोड़ा सा आज DHFL थोड़ा सा माइनस में चला जाने की एक चीज़ दिख रही है। दोस्तों, यहाँ से हमें कहाँ तक ये बढ़ सकता है, यहाँ से कहाँ तक घट सकता है दोस्तों, अभी देखिए आपको एक रिबिल्ड करने जा रहा हूँ इस वीडियो के बारे में। यहाँ पे हमें जो टारगेट दिए आपको किस तरह से दिए और कहाँ से प्रॉफिट कमाए दोस्तों, इस रिबिल्ड में आपको पता चलेगा कि DHFL ने हमेशा एक लेवल बनाई है और लेवल के बाद उसने टूटना चालू किया है। दोस्तों, अभी भी मार्केट में उसकी बनी रहने की संभावना तो बहुत सारी बनी हुई है, मगर दोस्तों आने वाला टारगेट जो है आपको लगभग आपको अभी डाउन साइड में मिलेगा, जो कि आपको आए दिन में 38 रुपीज़ का टारगेट रहेगा। और दोस्तों, यहाँ से आगे का टारगेट है आपको कम से कम 55 रुपीज़ का टारगेट रहेगा। दोस्तों, यही बातें नहीं हो रही है हवा में, ये एनालिसिस करके निकाला गया टारगेट होता है, जिसके बावजूद ये टारगेट हिट होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जैसा हमने किसी कहा सुना है और आपको टारगेट दे रहे हैं दोस्तों, एक प्रॉपर एनालिसिस वाले टारगेट होते हैं, जिसके कारण आपका जो प्रॉफिट दिख रहा है, जो आपको टारगेट दिख रहे हैं, जो हिट हो रहे हैं, वो एनालिसिस की बदौलत है दोस्तों। बहुत ऐसे सारे जने के वो बोल रहे हैं कि हमें टेक्निकल्स के बारे में सीखना है। दोस्तों, आप हमारे पर्सनल ट्यूटोरियल्स चलते हैं, पर्सनल हमारे कोर्सेज चलते हैं, आप उसमें आपका नाम इनरोल करके आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं। दोस्तों, ये हो गई पर्सनली बातें, चलते हैं हम DHFL के बारे में। दोस्तों, DHFL में जो रुझान बना था वो ऊपर का, वो क्यों बना था, उसमें बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, आपको उसका थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में बता देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मूल भुगतान है उसमें टोटल 35% की कटौती करने का एक DHFL ने
रेजोल्यूशन पास होने जा रहा है। मतलब आपके पास 100 रुपया है कंपनी के ऊपर लोन है, तो कंपनी बोल रही है हमें 35% का हेयर कट करना है, मतलब हम जो दूसरी कंपनी है उनको 65 रुपीज़ ही पास करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने रेजोल्यूशन पास करने के बारे में सोचा है। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब 35 रुपीज़ कंपनी को बचने वाले हैं, 35 रुपीज़ का उनको बेनिफिट होने वाला है। बात चलती है दूसरी ले के दोस्तों, यहाँ से कंपनी ने और एक रेजोल्यूशन पास करने का निर्णय लिया है, जो 65 बचे हैं उसमें हम कुछ इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे, जिसके कारण उनको और प्रॉफिट होने की संभावना है। कैसे देखिए दोस्तों, जो 65 है उसमें से कुछ रेशो है जो कि इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब लिक्विडिटी उनके पास आ जाएगी। और ही दूसरी बात दोस्तों, उनके पास जो पहले ऑडिटर थे वो बदल गए हैं, अभी नए ऑडिटर ने जगह ली है। तो ये तीन चीज़ें ऐसी थी कि जिसके कारण मार्केट में उनका एक लेवल बन के चल रहा था और जिसके कारण हमने दिए हुए टारगेट भी हिट हो के चले गए। दोस्तों ये तो न्यूज़ की बात है, मगर हमने टेक्निकली आपको परफेक्ट बताया था कि यहाँ तक मार्केट जा सकता है, यहाँ से आगे हर्डल्स है, इसलिए यहाँ से मार्केट आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों अभी आज देख सकते हैं मार्केट 2.69% गिरा हुआ है, मतलब 1.5 रुपये के लगभग मार्केट गिरा हुआ है। 47.05 पैसा अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। दोस्तों आने वाले दिनों में आपको हमने बताया 38 का टारगेट आरामी से आपको शॉर्ट सेलिंग में मिल सकता है, और ऊपरी स्तर पर देखा जाए तो 55 का टारगेट है। तो दोस्तों इसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी, अगर मार्केट आज ओपन होके 51 का लेवल होल्ड करता है, आज का जो मार्केट है 51 के लेवल होल्ड करता है या 50.50 पैसे पे स्टॉप हो जाता है, तो आपको बाइंग के लिए जाना है 3:30 PM के लगभग, या मतलब 3:30 PM के लगभग जाना है, जिसके कारण आपको 51 से लेकर 55 का टारगेट आराम से मिल जाएगा। दोस्तों उसके नीचे अगर मार्केट और 3 या 4% की गिरावट से डाउन बंद होता है तो आपको 38 का आने वाले दिनों में टारगेट आराम से दिख जाएगा। तो दोस्तों ये थी टेक्निकल्स बातें और बहुत सारी न्यूज़ के बारे में हमने बात की है, जो कि आपको पता चली गई होगी। और आप जानते हैं कि गवर्नमेंट अच्छे अच्छे से स्टेप्स ले रहा है, जो कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी उनकी जो लिक्विडिटी है उनको बढ़ाने का दोहरा काम कर रही है, अच्छा दोहरा रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा फंड प्रोवाइड करने की रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश कर रही है। देखिए दोस्तों इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हो रही है जो कि देश को हित में लाने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन बटन है उसको ज़रूर दबाइए, वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों थैंक यू दोस्तों।